सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन कुछ ये है कि हम लोग आए हैं, सीन बड़े ख़राब हैं क्योंकि हालत देखे कैसी बुरी हो गई, क्योंकि हमारे साथ बीच में एक सीन हो गया था जिसकी वजह से हमें 2 घंटे सफ़र करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए तो मम्मा ने कहा ग्रॉसरी शॉपिंग, मम्मा को चीज़ें लेनी थी तो मम्मा ने वो चीज़ें ली और मैंने बंद कर दिया था। आंटी आज इतने घूर घूर के देख देख के जा रही हैं मुझे कि पता नहीं क्या हो गया है, मैं क्या कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बनाने की कोशिश करी थी और मुझे अंकल ढूंढने लगे थे तो मैंने बंद कर दिया। खैर मैं हम लोग जो है अभी आए हैं और अब हम जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। हाथ मैंने अपना कल ख़राब किया। सबसे पहले खोल के मैं लूँगी मूंग मूंग। हाँ खुल चुन रही है, लूँगी मूंग मूंग। बहुत शदीद गर्मी और बहुत शदीद प्यास। मेरी फेवरेट जगह लॉलीपॉप बबल, हर भूख का इलाज नूडल्स। ये तो हम लाजमी लेंगे क्योंकि ख़त्म हो गए। अच्छा नीचे ये सब्ज़ियाँ लेके आने के लिए, मतलब सब्ज़ियाँ लेने के लिए मेरा अब्बा मुझे लेके आए। खैर मैंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी तो मैंने वो भी ले ली हूँ, ले चुकी हूँ पहले से ही। अब जो मम्मा जिस काम के लिए आई थी वो काम कर ले। और सोया वोया नहीं मिलता? सोया मिलता होगा, वहाँ रखा हुआ नोश टाइम पास करते हुए, क्योंकि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं अपनी चीज़ें तो बड़े नाम से लेती हूँ। मैं कहती हूँ घर चलूँ, मुझे नहीं करना कि मैंने कल अपना हाथ गंदा किया, पता नहीं किस खुशी में। देखते हैं कितना टाइम लगता है। यार ये मैंने इतना बड़ा तरबूज पहली दफ़ा देखा है, मतलब इतना मोटा और इतना बड़ा। मुझे इसको देख के एकदम से याद आया कि मुझे चाट मसाला लेना था। मेरी चाट मसाला के बिना ज़िंदगी अधूरी है, तो मैं चाट मसाला ढूंढती हूँ। मैं घर आ गई थी तो घर आके मैंने देखा कि मम्मा क्या बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ आप? चिकन मसाला भी कह सकते हैं और मुगली चिकन। तो मम्मा बना रही हैं चिकन मसाला, तो इसका मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं, हो सकता है शॉर्ट में इसको शूट कर लूँ और शॉर्ट में अपलोड कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा शॉर्ट में। ये हमारे नीचे वाली बच्ची है जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, जिसको ये नॉन मुस्लिम है लेकिन इसको जानमाज पे बैठना, लेटना और सजदा करना इतना अच्छा लगता है कि जब मैं या मेरी भाई वगैरह कोई भी नमाज़ पढ़ रहा होता है ये बराबर में आके बैठ जाती है और सेम वैसी करती है जैसे हम कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी करती है और सबको चुप करवा रही होती है कि चुप हो जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाती है, तो इसको इतना सुकून मिलता है। फिर जब मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई तो ये मेरे ऊपर आके लेट गई, मतलब मेरी गोद में आके लेट गई, और इसको जानमाज पे बैठना इतना सुकून मिलता है। मैंने इसको बताया भी कि इधर पैर नहीं रखते, इधर रखते हैं, तो वैसे ही लेट जाती है, ऐसी करती है। और यहाँ पे जब नमाज से फ्री हो गए तो फिर ये मैं हमारे घर पर जब भी आती है तो बस ये मोबाइल का इशारा करती है कि बेबी शर्ट टू डू, जो पता नहीं क्या है वो, मुझे सही से नहीं पता, तो वो कहती है वो लगा दो और ऐसे करके बस इशारा करने लगती है, ऐसे डांस करने लगती है। बहुत क्यूट है माशाल्लाह से ये। तो अभी वही चल रहा था लेकिन मैंने आवाज़ जो है इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि इस वजह से कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कितना अच्छा हरा धनिया दिखाया था, ये सूख गया सारा, और पुदीना जो मैंने दिखाया था वो कितना प्यारा और मतलब बड़ा हो गया है, ये देखते हैं माशाल्लाह से। और ये धनिया सारा सूख गया, कोई बात नहीं फिर से सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं शायद ओले और चनों का साग। तो यहाँ पे जो है हमारी तरफ जो है बाग हैं बहुत सारे, तो उसकी भी कभी वीडियो शेयर करूँगी, तो वहाँ से ये तोड़ के लेके आए थे। तो मम्मा ने कहा फिर हम लोग यहाँ पे ओले बनाने लगे, इसमें ओले भी लगे तो मुझे बात समझ नहीं आई कि ओले और चनों का साग एक ही होता है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या सीन था। रात के 12 बजे मेरी अम्मा मोहतरमा को लगी भूख और वो बोलती कुछ नहीं, बस वो बोलती है यार बहुत भूख लग रही है, तो उनका मतलब होता है कुछ बना दो। तो पॉपकॉर्न रखे हुए थे तो मैंने कहा चलें पॉपकॉर्न बना देते हैं, तो यहीं पे मैं पॉपकॉर्न पे ही अपना व्लॉग करती हूँ। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा। मिलती हूँ मैं आप लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के आप सबको अल्लाह हाफिज़।